नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कृति कला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुशन बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। जो ये कुशन का साइज है, ये 16 बाई 16 का है, तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इस कुशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मटेरियल जानना है। ये तो ली हुई है हमने रुई, यहाँ पे ये मैंने पुराने कुशन की ही निकाली हुई है रुई, तो तभी ये खट्टी है। तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे तो ये फ्लफी हो जाएगी काफी। तो ये तो हम करके रख लेंगे बाद में। और ये लिया हुआ है हमने कुशन के लिए कपड़ा, तो ये हमने डबल किया हुआ है इस तरीके से। अब कुशन का सबसे पहले हम साइज जान लेते हैं। 16 बाई 16 का हमें यहाँ पे कुशन बनाना है, 16 बाई 16 का। तो सबसे पहले जो ओपन हिस्सा होता है वो हम इधर रखते हैं, यहाँ पे ये डबल है तो ऐसे यहाँ पे ऐसे रखेंगे। और ये होगा हमारा बंद वाला। अगर आपके पास अलग अलग छोटे टुकड़े हैं तो आप छोटे भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। सबसे पहले हम एक साइड में यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे, इसके बाद हम यहाँ पे 16 इंच का निशान लगाएंगे, यहां पे भी 16 इंच का निशान लगाएंगे, और अब हम इस साइड में यहां पे निशान लगाएंगे 16 इंच का ऐसे। इन निशानों को भी आपस में यहां पे मिला देंगे और यहां से एक निशान हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट का लगाना है 8 इंच का, और इस निशान में यहाँ पे 3 इंच इधर लगाएंगे और 3 इंच इधर, ये 6 इंच का हमने यहाँ पे गैप रखना है। अब हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, आधा से 1 इंच या 1.25 इंच मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। अब हमें सिलाई लगानी है, तो सिलाई यहाँ पे ध्यान देना है आपने कैसे लगानी है। यहां से हम सिलाई की शुरुआत करेंगे और ऐसे लेकर के आएंगे और यहाँ पे पक्का कर देंगे। फिर यहाँ पे धागा हम तोड़ देते हैं, मतलब कटिंग कर देते हैं, और ये गैप हमें रखना है। फिर हम यहाँ से सिलाई करेंगे और यहाँ से ऐसे लेकर के जाएंगे और यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। बस हमें ध्यान क्या रखना होता है कि जो हमने गैप रखना है रुई डालने के लिए, जो रुई डालने के लिए गैप रखना है वो यहाँ पे रखना है 6 इंच का गैप। तो मैं यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और ये गैप रखा है हमने यहाँ पे। तो इस तरीके से अब हमें इसको पलटना है, तो यहाँ पे नोक निकालते हुए ऐसे पलट लेंगे चारों कॉर्नर से। तो ये देखिए हमने दोस्तों यहाँ पे ये पलट लिया है, और पलटने के बाद हमारा यहाँ पे 6 इंच का मुंह रह जाएगा। अब हमारे पास जो पुरानी रुई है इसको भी हमें सेट कैसे करना होता है, तो इसको हम इस तरीके से खींच लेते हैं। जो पोलोफिल होती है, रुई होती है, इसको हम खींचेंगे तो ये फ्लफी हो जाएगी यहाँ पे काफी। इस तरीके से तोड़ने के बाद एक तरीके से पिन जाएगी। ये देखिए मैं छोटा सा पीस लिया था और कितना यहाँ पे फ्लफी हो गया है। तो इस तरीके से करने के बाद अब हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे ही हम छोटे छोटे पीस यहाँ पे इस तरीके से लेंगे और इनको पीन देंगे इस तरीके से, और ऐसे करने के बाद यहाँ पे इनको डालते जाएंगे। तो ये देखिए रुई हमने यहाँ पे डाल दी है, और रुई डालने के बाद अब हमारा यहाँ पे ये जो मुंह है ये करना है हमें बंद। ये हम सुई धागे की मदद से बंद करेंगे। तो ये हमने सुई धागा ले लिया है। अब जितना हमने यहाँ पे ये सीधी सिलाई वाला फोल्ड है उतना ही हम यहाँ पे मार्जिन अंदर की साइड दबाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से ये सुई धागे की मदद से ऐसे पक्का करेंगे यहाँ पे, ये बंद कर देंगे मुंह।
तो यहां से यहां तक हमने ये 6 इंच का जो गैप था ये बंद कर दिया है। अब हमें यहां पे क्या करना होगा इसको अच्छे से सेट करने के लिए, देखिए कुशन तो ये हमारा तकरीबन तैयार हो जाता है लेकिन हमें इसमें रुई को बिल्कुल इक्वल करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऐसे रखना है। और कोई भी आपके पास स्केल हो या हल्की फुल्की फंचक हो डंडा हो तो उससे आप इसको इस तरीके से पीटे ऐसे, तो देखिए इस तरीके से हमारी चारों साइड में जो अंदर की रुई है वो भर चुकी है और बहुत ही प्यारी सी सेव यहाँ पे आप देख रहे हो, कितनी प्यारी सी सेव आ जाती है। इस तरीके से आप बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे 16x16 का कुशन तैयार कर सकते हो। इसी तरीके से आप साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हो, जैसे 12x12 का होता है या 16x20 का होता है, तरीका यही होता है कुशन तैयार करने का। तो दोस्तों कल की वीडियो में मैं आपको इसका कवर भी बना करके दिखाऊंगा बहुत ही प्यारा सा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।